हेलो, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों तक आवाज़ तो पहुंच रही है। आज हम यहाँ पे देखेंगे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से पार्ट सिक्स। तो पार्ट सिक्स के इस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको डिटेल में सारे आंसर बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। और सेशन की शुरुआत में ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाता रहूँगा, तो बीच में हो सकता है मैं कमेंट ना देख पाऊँ, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, जैसे आवाज़ ना आए या फिर वीडियो रुक जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पार्ट फाइव तक अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मिसलेनियस पार्ट है 25 जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। इस पार्ट के बाद मैंने सोचा है कि चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, तो आप लोग बताइएगा कैसे, ये आइडिया कैसा रहेगा। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहें, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहें, तो केवल ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो आप बताइएगा कि ये सुझाव जो मैंने आपको अभी दिया है, किस तरह का अगर वीडियो बनाऊँ तो कैसा रहेगा। अगर आप कहते हैं कि ठीक है, तो फिर ऐसा ही हम करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड शायद इंक्रीज़ करने के लिए आवाज़ धीमे आ रही है। क्या अभी आवाज़ सही है? मेरे ख्याल से अब तो क्लियर आ रही होगी आवाज़। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी ऑफ कमोडिटी इज़ पेबल विथ रेफरेंस टू इट्स, कि जो वस्तु का उत्पाद शुल्क होता है वो किसके संदर्भ में देय होता है। यहाँ पे इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है किसी कमोडिटी की, वो किस पे दी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बस यही है। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ए वाला, प्रोडक्शन पे, कि जो भी उसका प्रोडक्शन होता है उस पे वो दिया जाता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड और क्या फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए? जैसे एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? ये डायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो केवल उन्हीं गुड्स के लिए लागू होती है जो हमारे भारत देश में, मतलब कंट्री के अंदर जो बनते हैं उनके लिए ही लागू होती है। और आपको बताऊं कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है पे करने की, ठीक है, लाइबिलिटी समझते हैं कि कौन इसे पे करेगा, तो वो किसके ऊपर होती है? तो जो भी उसका मैन्युफैक्चरर होता है उसी के ऊपर इसकी लाइबिलिटी होती है कि वही उसको पे करेगा। लेकिन इसको देता कौन है, इस लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे जो भी टैक्स वगैरह हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है? तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं वो हम देते हैं, जो भी ग्राहक होते हैं वो देते हैं, लेकिन उसको जमा कौन करेगा? जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वही उसको जमा करता है, ठीक है? तो ये एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति जिसको कहते हैं, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा सफल रहा? भारत के कौन से ऐसे हिस्से थे जिसमें
जो हरित क्रांति है वो सबसे ज़्यादा सफल रही, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि जो हरित क्रांति थी वो ज़्यादातर जो उत्तर भारत है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी, या फिर कह सकते हैं उत्तर पश्चिम जो भारत है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला, पंजाब हरियाणा एंड यूपी में हरित क्रांति को बहुत अत्यधिक सफलता मिली थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड और कुछ आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है भारत में, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? आपको पता है अगर तो आंसर बताइए। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, ये इनको कहा जाता है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के ये पितामह थे, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, और इससे रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं? जैसे ये पूछा जा सकता है कि वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी शुरुआत हुई, या फिर जिस जहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू हुई, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तीसरी, थर्ड पंचवर्षीय योजना, ठीक है, थर्ड। और कहा जाता है लगभग 1964 से इसने बहुत तेज़ी से आगे कदम अपने बढ़ाए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत में जो अन्न की कमी थी उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि भारतीयों को एक दिन का व्रत रखना चाहिए, ठीक है। वो सारी बातें आपको अगर याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, और उन्हीं के प्रयासों के जरिए हम कुछ ही सालों में जो हमारी अन्न की कमी थी वो हमने पूरा कर ली, और हम सरप्लस हो गए उसमें, दूसरे देशों को बेचने लगे। इससे एक क्वेश्चन और आता है हरित क्रांति से, वो क्या है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल प्रभावित हुई, या सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का बढ़ा? तो सबसे ज़्यादा जो फसल प्रभावित हुई या फिर जिस पे असर पड़ा वो थी वीट, या फिर जिसको कहेंगे गेहूं, ठीक है। तो गेहूं जो फसल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, गेहूं के साथ साथ राइस मतलब चावल, ये दोनों फसलें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है तो हम तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, अमर्त सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, कि अमर्त सेन, आपको पता होगा भारतीय अर्थशास्त्री हैं, कि इनको नोबेल प्राइज़ जो प्रदान किया गया वो किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए इनको प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? यहाँ पे सही आंसर है बी वाला, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था, कौन से सन में मिला था? तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, 1998 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़। कुछ लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या वीडियो बफरिंग हो रहा है, मतलब सही से नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे थे तो मैंने देखा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, और इसमें क्या आपको बताया जा सकता है अमर सेन से रिलेटेड, क्या और फैक्ट हो सकते हैं? जैसे अमर सेन को 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और 1999 में अमर सेन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आपको पता है कि नागरिक सम्मान का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, वो उनको 1999 में प्रदान किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ से आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग 10 से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नोबेल प्राइज़ से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपको पता है सर्वप्रथम किसको मिला था, फर्स्ट मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में, ठीक है। किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। फर्स्ट जो नोबेल पुरस्कार है भारत का,
या फिर कह सकते हैं एशिया का जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। उसके बाद किसको मिला था? उसके बाद मिला था सी वी रमन को, सेकंड नंबर पे सी वी रमन को। फिजिक्स में मिला था इनको, मतलब साइंस के क्षेत्र में मिला था 1930 में। क्यों मिला था? आपको पता होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी ग्रेजुएट लेवल तक, रमन इफेक्ट की जो इन्होंने खोज की थी उसके लिए इनको मिला था। ठीक है, किसको? सी वी रमन को। फिर तीसरा जो नोबेल पुरस्कार है भारत की तरफ से वो मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को, तब वो भारतीय हो गई थी, तो मदर टेरेसा को ये पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। और ये पुरस्कार कैसा था? पीस पुरस्कार था, शांति पुरस्कार था, नोबेल पीस प्राइज। और फिर जो पांचवा, चौथा तो आपको ये चौथा यही थे, कौन? अमर्त्य सेन। चौथा पुरस्कार इनको मिला था 1998 में। और पांचवा जो अब भारत की तरफ से पुरस्कार मिला है वो किसको मिला था? वो मिला था कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जिनको अभी हाल ही में पुरस्कार मिला है, वो भी कैसा पुरस्कार है? शांति पुरस्कार है। ठीक है, तो ये भी पीस प्राइज इनको मिला है। कौन से ईयर में मिला है? तो ईयर इनका आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से ईयर में इनको मिला है। अभी हाल ही में मिला है, आपको पता होना चाहिए। तो ये लोग हैं भारत की तरफ से जिनको पुरस्कार मिला है, मतलब ये भारतीय नागरिक हैं, समझिएगा, भारतीय नागरिक हैं। वैसे भारत के कुछ और लोग हैं, मतलब वो भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनको पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन ये सारे भारतीय नागरिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहां से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा हुआ है द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट्स विद, मतलब कि आपातकाल की उद्घोषणा जो होती है उसका जो अंतिम प्राधिकारी या फिर जो कह सकते हैं उसका जो अधिकार है वो किसके पास होता है? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आपको पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे पी स्मॉल में है जबकि कैपिटल में होना चाहिए, प्रेसिडेंट इसका सही आंसर है। और तो आप इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जैसे कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें दिया जाता है, वो सब मैंने पहले की वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जाकर के देखेंगे पहले का वीडियो तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी धाराएं हैं, 352, 356, 360, सब क्या क्या है उसमें, क्या क्या आता है, सब कुछ बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ इन इंडिया द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई बिकॉज, कि भारत में आबादी वृद्धि दर अधिक है क्योंकि, मतलब भारत में जो आबादी की वृद्धि दर है वो अधिक क्यों है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है डेथ रेट हैज़ फॉलन लेस देन द बर्थ रेट, दूसरा है बर्थ रेट हैज़ फॉलन लेस देन द डेथ रेट, फिर लिखा हुआ है बर्थ रेट एज वेल एज दैट डेथ रेट रिमेन्स हाई, फिर क्या है डेथ रेट हैज़ फॉलन बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है डी, कि बर्थ रेट तो फॉल हुई है लेकिन जो डेथ रेट तो फॉल हुई है लेकिन जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई बनी हुई है। आपको एक आंकड़ा मैं यहाँ पे देता हूँ, 1901 से लेकर के 1910 के बीच का एक आंकड़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेथ रेट और यहाँ पर बर्थ रेट, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे यहाँ वृद्धि हो रही है। तो 1901 से लेकर के 1910 के बीच का एक आंकड़ा है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट थी इंडिया में वो थी 49.2% की। ठीक है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही थी। और जो डेथ रेट थी वो क्या थी? मृत्यु दर जिसको कहेंगे 42.6, मतलब लगभग समान थे। 1911 से लेकर के 1920 के बीच में ये और समान हो जाते हैं जब यहाँ पे बर्थ रेट हो जाती है 48.1 और जो डेथ रेट होती है वो 47.2, मतलब देखिए यहाँ पे समानता रहती है। लेकिन ये आते 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 अगर मैं बताऊँ कब का आंकड़ा दूँ मैं आपको, 1991 से लेकर के 2001 की बात मैं करूँ तो उस समय जो बर्थ रेट है वो 25.8 है लेकिन जो डेथ रेट है वो केवल 8.6 है। मतलब देखिए कितना अंतर आ गया है, डेथ रेट कितनी ज़्यादा कम हो गई लेकिन बर्थ रेट अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। और अभी अगर मैं हाल की बात करूँ, मतलब 2016 का जो आंकड़ा है उसकी बात करूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हमारी जो बर्थ रेट है वो कितनी है, वो है 19 पॉइंट समथिंग है लेकिन जो डेथ रेट है वो 7.3 है। मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो रिमेन हाई बनी हुई है जबकि यहाँ पे जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, पर थाउजेंड की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ये बना हुआ है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है शेड्यूल्ड बैंक हैव टू बी रजिस्टर्ड विद, कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको किसके साथ रजिस्टर होना है या फिर कहते हैं पंजीकृत होना आवश्यक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अब जब भी बैंकों की बात आती है तो आपको पता है कि जो बैंकों की कार्यविधि है या फिर उनके ऊपर जो नियंत्रण रखने का काम है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है, तो उनको आरबीआई एक्ट के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है, आरबीआई सारे लाइसेंस वगैरह निकालता है बैंकों के लिए। सेबी का क्या काम है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम और उसको रजिस्टर करने का काम सेबी करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन, लिखा हुआ है हु एमंग द फॉलोइंग विजिटेड विद गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। बहुत ही टिपिकल और बहुत ही रेयर क्वेश्चन हो सकता है, बहुत गहराई से जिसने पढ़ा होगा वही बता सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ निम्नलिखित में से किसने यात्रा की थी। तो ये यात्रा किसने की थी, तो ये यात्रा की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले, इन्होंने ये यात्रा की थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये गांधी जी ने ही इन्वाइट किया था इनको 1912 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले को इन्वाइट किया था अफ्रीका आने के लिए, तब ये गांधी जी के पास गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय भी गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। तो सातवां जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया हुआ है सातवें भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइए। ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा होगा ए बी सी डी में से, तो कई सारे लोग ए भी टिक कर सकते हैं, बी भी नाम सुना होगा लोगों ने, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी वाला, बी एन राव, ठीक है, बी एन राव इसका सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी पी करके मैं आता हूँ, तब तक आप देखते रहिए क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन मैं और आगे बढ़ा देता हूँ या फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे संवैधानिक सभा की बात, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात हुई, तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी एन राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। यहाँ पे के एम मुंशी भी इसी सब में, मतलब बहुत सारी कमेटियाँ थी उनके हिस्से में थे, मतलब उसमें एक पार्ट थे, लेकिन किसी के अध्यक्ष वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी वाला, बी एन राव। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो वो थे मावलंकर। पूरा तो नहीं लिखा गया है, हो सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए ना लिखा हो, पूरा नाम क्या था इनका, जी वी मावलंकर, ठीक है। तो ये इस लोकसभा जो हमारी बनी थी उसके पहले अध्यक्ष थे, इनके खिलाफ बाद में प्रस्ताव भी लाया गया था इनको हटाने के लिए, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था, लेकिन ये पहले अध्यक्ष थे और इनके खिलाफ ही प्रस्ताव लाया गया था कि इनको हटाया जाए अध्यक्ष के पद से। बाकी यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं, जैसे हुकुम सिंह की मैं बात करूँ, तो ये हुकुम सिंह भी स्पीकर थे, लोकसभा के ही स्पीकर थे, ये तीसरे लोकसभा के स्पीकर थे, थर्ड, ठीक है। बी डी जट्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या थे, ये फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। ये जो थे बी डी जट्टी, ये राज्यसभा के सभापति रहे होंगे, तो ये 5वें वाइस प्रेसिडेंट थे। वहीं वी वी गिरी की बात करूँ मैं, तो ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, बाद में चल के राष्ट्रपति भी बने, थर्ड नहीं फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट थे, एक मिनट, थर्ड फोर्थ नहीं, पहले तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे और फोर्थ प्रेसिडेंट थे, ठीक है,
पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे, उल्टा तो हो ही नहीं सकता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई कई बार। ठीक है, तो वी वी गिरी क्या थे? थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, और बाद में चल के ये प्रेसिडेंट बने थे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ें हम आगे, सारी जानकारी क्लियर होगी। दसवां पढ़ते हैं, इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। ठीक है, किस वर्ष में नमक सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड है। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। मैंने बताया था कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी जाने की शुरुआत की थी साबरमती के आश्रम से। क्यों? क्योंकि जो नमक का कानून बनाया गया था कि भारतीय जो हैं वो ना तो नमक को इकट्ठा कर सकते हैं, ना तो नमक को बना सकते हैं, दंड होगा, पनिशमेंट होगी, उस कानून को तोड़ने के लिए, काला कानून कह करके उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और बाद में पहुंच करके डांडी उन्होंने नमक बना करके इस कानून को तोड़ा था। तो कौन सा इसका ऑप्शन है सही? सी वाला। ठीक है, ये जो टोटल यात्रा थी गांधी जी की 240 माइल्स की थी, 240 मील चले थे, और इनका एक लक्ष्य था कि लगभग 24 दिनों की उनकी यात्रा थी, 24 डेज की, तो उनका लक्ष्य था कि हर दिन वो 10 मील की यात्रा तो करें ही करें। ठीक है, तो ये उनका लक्ष्य था 240 मील की यात्रा करने का, और आसानी से उन्होंने पार किया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर, कि किस साल में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में कौन से साल में आया था? तो ये आया था 1946 में, 23 मार्च 1946 में, कई जगह पे 24 मार्च कहा जाता है। ठीक है, तो 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, लेकिन वो दिल्ली कब पहुँचा था? दिल्ली वो पहुँचा था 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल 1946 को वो कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा था? न्यू दिल्ली पहुंचा था, आपके लिए दिल्ली, तब तो न्यू दिल्ली मेरे ख्याल से रही नहीं होगी। तो ये पहुंचा था 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का काम क्या था? आप सबको पता ही होगा कि भारत में जो सत्ता का हस्तांतरण करना था उसको लेकर के कैबिनेट मिशन था। तो उसको लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई थी मुस्लिम लीग वगैरह के साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में हुई थी, एक अलग ही टॉपिक हो सकता है। 11वां क्वेश्चन देखने के बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कि मुस्लिम लीग कौन से साल में फाउंड की गई थी, स्थापित की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का जो वर्ष है वो कौन सा है? तो कोई अगर आंसर दे सकता है 12वें क्वेश्चन का तो दीजिए। मुस्लिम लीग कब स्थापित की गई थी और किसने स्थापित किया था, किसका योगदान था, कौन से देश में स्थापित की गई थी, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो की गई थी 30 दिसंबर 1906 में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी वाला, 1906। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पे की गई थी? तो की गई थी ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है आगा खां को। ठीक है, आगा खां क्या थे? वो थे नवाब ऑफ ढाका, ढाका कहा जाता है उनको। तो इन उसकी स्थापना का श्रेय ज़्यादातर इनको ही दिया जाता है, इनके साथ साथ नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे, उनको भी दिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय, दोनों लोग साथ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? 1906। कुछ लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं 1905। मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, जिन्ना तो बाद में आए थे मुस्लिम लीग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया, कि जो भारत में, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी महोत्सव नवरोज की शुरुआत की थी? इसका आंसर पता है आपको कि नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही अच्छा आंसर है, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में जो नवरोज की शुरुआत है वो की थी बलबन ने। बलबन आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, भारत में जो दिल्ली सल्तनत है, मतलब गुलाम वंश है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, तो बलबन ने शुरुआत की थी किसकी? नवरोज प्रथा की, या फिर नवरोज महोत्सव की शुरुआत की थी। बलबन क्या था? इल्तुतमिस था, इल्तुतमिस का गुलाम था। ठीक है, उसको इल्तुतमिस ने ख़रीदा था, बाद में उसको तुर्काने चहलगामी में भी जगह दी गई थी। और तुर्काने चहलगानी से एक शब्द और याद आया, क्वेश्चन और याद आया कि एक क्वेश्चन और आता है कि तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो उसका भी श्रेय किसको जाता है? उसका भी श्रेय जाता है किसको? बलबन को। ठीक है, बलबन ने ही इसको, इसका विनाश किया था। इसमें लगभग 40 लोग थे, मतलब समझ सकते हैं कि 40 वॉरियर्स कह सकते हैं या फिर 40 वजीर कह सकते हैं, इस तरह के लोग थे जो राजा के साथ रहते थे। ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बलबन। तुर्काने चिलगानी का भी विनाश किसने किया था? बलबन ने। और एक क्वेश्चन आता है कि सिजदा तथा पैबोस की जो प्रथाएं हैं, सिजदा तथा पैबोस, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बार आए हुए हैं, सिजदा और पैबोस, ठीक है, ये जो प्रथाएं हैं इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी भी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही की थी, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर क्या है? बलबन। कुछ लोग 13वें का आंसर डी बता रहे हैं, बी नहीं, बलबन इसका सही आंसर है। इल्तुतमिश से कन्फ्यूज मत होइए, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, उसने ये सारी प्रथाएं शुरू की थी, ठीक है। तो बलबन से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक तो यही नौरोज की शुरुआत, तुर्काने चिहलगानी का नाश किसने किया था, विनाश किसने किया था, ख़त्म किसने किया था, तो वो भी बलबन ने किया था। सिजदा तथा पैबोस जो प्रथाएं हैं उसकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने ही उसकी शुरुआत की थी। और एक क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति अपने दुश्मनों के प्रति कौन रखता था? तो बलबन ही था। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे, बाकी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, कि प्रसिद्ध गिर जंगल कहाँ स्थित हैं? तो गिर के जो जंगल हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? वो स्थित हैं गुजरात में। सी वाला ऑप्शन इसका सही है कि गुजरात में गिर के जंगल स्थित हैं, और गुजरात में ही इन्हीं जंगलों पे ही क्या है? गिर नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा गिर नेशनल फॉरेस्ट, तो आप आसानी से बता सकते थे इसका भी आंसर गुजरात होगा। गिर नेशनल फॉरेस्ट भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाटिक लॉयन जो हैं वो गिर फॉरेस्ट में ही रखे गए हुए हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। टेक्निकल इशू, वीडियो बफरिंग कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा देखता हूँ मैं। क्या अभी तक वीडियो बफरिंग हो रही है? वीडियो की बफरिंग अभी तक हो रही है क्या? टेक्निकल इशू कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू आ रहा है, अगर हो रही है तो मुझे बताइए, नहीं हो रही है तो फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। रुक रुक कर चल रहा है, अच्छा मेरे ख्याल से वीडियो बफरिंग की ही प्रॉब्लम आ रही है। अभी ठीक हुआ कि अभी भी वैसे ही चल रहा है वीडियो? ओके, नहीं चल रहा, बफरिंग बफरिंग ठीक है, बफरिंग बीच बीच में रुक जा रहा है, पॉज हो रहा सर वीडियो। तो वीडियो कंटिन्यू करूं मैं या फिर यहीं पे स्टॉप करूं, फिर इससे आगे की वीडियो मैं आपको ऑफलाइन ही दे दूं, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं, चालू कीजिए। तो चलिए 15वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर आगे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? केपी कैनाल्स ज्वाइंस, कि जो केपी कैनाल है वो किसे जोड़ती है? केपी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, या फिर कह सकते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब हो सकता है,
केपी कनाल जोड़ती किसको किसको है, कौन कौन से दो राज्य हैं जिनको केपी कनाल जोड़ती है? तो केपी कनाल जोड़ने का काम करती है आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश को किसके साथ जोड़ती है केपी कनाल? तो आंध्र प्रदेश को ये जोड़ती है किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। 15वें का सी कुछ लोग करें कर्नाटका और तमिलनाडु, नहीं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ने का काम करती है केपी कैनाल। ओके, ये लगभग 65 किलोमीटर लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द नाइजर रिवर फॉल्स इन, कि जो नाइजर रिवर है वो कहाँ गिरती है, किसमें गिरती है? आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, कहाँ पे गिरती है नाइजर रिवर? तो नाइजर जो रिवर है वो गिरती है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जा करके गिरती है। क्योंकि नाइजर रिवर का बारे में अगर बात करूं मैं, कि मान लीजिए अफ्रीका का ये भूभाग है, इधर तो अटलांटिक महासागर है ही, तो जो नाइजर रिवर है ये अटलांटिक महासागर से बहुत ही कम दूरी से ओरिजिनेट ही होती है। मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर दूर पे ही यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होकर कि ये इस तरफ नहीं बढ़ती है, ये बल्कि इससे दूर जाती है, फिर घूमती है, और घूम करके फिर आ करके ये अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो बड़ा आड़ा टेढ़ा रूट है इसका, इसलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया होगा यहाँ से कि नाइजर रिवर कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है। ये जो रिवर है ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है? ये जो रिवर है कौन सी, नाइजर रिवर, ये कौन कौन सी नदी, एक तो नाइल नदी है, ठीक है, और दूसरी कॉन्गो नदी, इनको छोड़ने के बाद ये जो तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, लगभग 4,180 किलोमीटर लंबी ये नदी है, जो कि गिरती है कहाँ पे, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में। और ये एक डेल्टा भी बनाती है जिसको गल्फ ऑफ गुयाना कहा जाता है, उस डेल्टा का नाम है जिसको गल्फ ऑफ गुयाना कहा जाता है, ठीक है? तो ये नाइजर रिवर से रिलेटेड और कुछ चीज़ें पूछी जाएँ तो आप आसानी से बता लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द अन्नपूर्णा माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन, कि अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी जो है, या फिर यहाँ पे पर्वत चोटी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ स्थित है, कौन से देश में? तो वो स्थित है नेपाल में, ठीक है? अन्नपूर्णा जो चोटी है, मतलब अन्नपूर्णा एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी उसमें चोटियां हैं, उसमें एक जो चोटी है जिसको अन्नपूर्णा वन के नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा वन, वो वाली जो चोटी है वो लगभग 8,091 मीटर लंबी है। इसी मतलब 8,000 मीटर से ऊपर की चोटी में वही एक चोटी आती है, 8,091 मीटर लंबी है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है, विक्टोरिया आइलैंड इज सिचुएटेड इन, कि विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया आइलैंड जो है वो स्थित है कहाँ पे, वो कनाडा का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा कौन से देश से रिलेटेड है, कनाडा का हिस्सा है। और विक्टोरिया आइलैंड को 8th लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है, मतलब वो 8वां सबसे बड़ा आइलैंड है, 8th लार्जेस्ट आइलैंड है। और कनाडा के लिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो पहला ही आइलैंड होगा कनाडा के लिए जो सबसे बड़ा होगा। लगभग ये 27,291 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, किसका, विक्टोरिया आइलैंड का। तो कनाडा के पास है, तो ऐसे आप आसानी से आंसर बता सकते हैं कौन सा वो ओशियन होगा, वो है आर्कटिक ओशियन, ए वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे 8वें 18वें का डी कुछ लोग कह रहे, नहीं, ए होगा 18वें का ये ऑप्शन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉस, कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधा कृष्णन क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, तो वो तो हो नहीं सकता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, अभी तो कोई दिक्कत वगैरह आ नहीं रही होगी, टेक्निकल इशू वगैरह सही से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
लिखा हुआ है द फेमस विश्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कि जो विश्वनाथ टेम्पल है फेमस वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको पता होगा नाम से ही वो कैसे स्थित है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जानी जाती है। तो कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है, ठीक है, बनारस जिसको कहते हैं। तो 20वें का सी वाला ऑप्शन सही है। एक विश्वनाथ स्वामी टेम्पल है जिसको लेकर के कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिया गया है विश्वनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से भी एक टेम्पल है जो कि साउथ इंडिया में है। कहाँ पे है, केरला में है। तो उसको लेकर के कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये विश्वनाथ टेम्पल की बात कर रहा है, प्रसिद्ध विश्वनाथ टेम्पल मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो कहाँ पे है वो वाराणसी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21वां क्वेश्चन, हु इज नोन एज गांधी ऑफ बिहार, कि बिहार के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या फिर बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे चारों जो नाम हैं उन चारों लोगों का नाम उपनाम कह दूँ मैं गांधी के नाम से ही रिलेटेड है। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, बिहार गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किसी गांधी के नाम से जाना जाता है, जी हाँ इनको भी बारदोली गांधी के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो लेकिन इनको बारदोली गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको, वल्लभ भाई पटेल को, क्यों, क्योंकि बारदोली का जो सत्याग्रह था इन्होंने ही लीड किया था। बाबा आमटे इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कहा जाता है मॉडर्न गांधी, ठीक है, मॉडर्न गांधी, इनको भी गांधी के उपनाम से ही जाना जाता है। तो कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपने अगर पढ़ा होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, कन्फ्यूज़ होकर के उसको टिक मत करिएगा। यहाँ पे देखिए सब लोगों को उपनाम गांधी से ही दिया गया है, अलग अलग, कोई सीमांत गांधी, कोई बिहार गांधी, कोई बारदोली गांधी, कोई मॉडर्न गांधी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 21वां हो गया क्वेश्चन, 22वें पे चलें। 22वां क्वेश्चन है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसको ILO के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, वहाँ पे इसका मुख्यालय। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चन है आप एकदम याद करके रखिए, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है, फुल फॉर्म वगैरह कहाँ पे है, ये सब आप याद करके रखिए। कोई पूछ रहा है बारदोली सत्याग्रह डेट, आपको बारदोली सत्याग्रह के बारे में अगर जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ बारदोली सत्याग्रह के बारे में हर एक चीज़, किसने लीड किया था, क्या वो कानून था, फिर क्या हुआ, सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा, पिछला वीडियो कहने का मतलब जो अभी तक 5 वीडियो बनाए हैं उनमें से किसी एक वीडियो मैंने बताया है। यक्षगान इज़ द फोक डांस ऑफ, कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांस नहीं, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटका का, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है मैकमहोन लैंग इज इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन विथ, बॉर्डर लाइन विथ नहीं बिटवीन, कि मैकमहोन लाइन जो है वो किसके बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वेबसाइट पर मैंने दिया हुआ था कि जो मैकमहोन लाइन है ये भारत और चाइना के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमहोन लाइन। इसको मैकमहोन कहते हैं क्योंकि इस लाइन को इन्होंने ही खींचा था। आपको जो भी अंतर्राष्ट्रीय लाइन है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप studysmart.guru पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट सब के बारे में बता रखा है, तो आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां और आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी मैंने ख़त्म किया क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे तो मैंने सोचा इसको थोड़ा जल्दी से ख़त्म किया जाए। आखिरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको, लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्सीड ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब क्या है कहने का समझिए, कहने का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, विधान परिषद, किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसकी जो संख्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के मेंबरशिप से कितने परसेंट मतलब कितने भाग से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, वो आंकड़ा क्या है।
इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है 1/3, ठीक है, एक तिहाई से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो सकती है। तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके एक तिहाई से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने ऐसे सदस्य हैं जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नियुक्त करते हैं या फिर उनको इलेक्ट करते हैं, कितने सदस्य हैं, कितने भाग, कितने लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नर के द्वारा मनोनीत होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको टीचर चुनते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ, लिखा हुआ है कि 1/3 जो होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे म्यूनसिपालिटी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब जिला परिषद वगैरह होती हैं, इनके द्वारा नियुक्ति होती है, मतलब इनके द्वारा वोट दिया जाता है। 1/3 जो 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ कि मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 सदस्य यहाँ पे चुनने हैं, तो सबका 1/3, इसका मतलब 1/3 का मतलब 20 लोग लगभग चुने जाएंगे यहाँ से, फिर कहेंगे 1/3 तो 20 लोग लगभग चुने जाएंगे यहाँ से, कहाँ से 1/3 क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं 1/3। फिर लिखा हुआ 1/6 आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर फ्रॉम पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फील्ड सच एज लिटरेचर साइंस, कि 1/6 गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं ऐसे लोग जिनको कला साहित्य किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या उन्होंने योगदान दिया है। 1/12 जो होते हैं वो कौन लोग चुनते हैं, वो चुनते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं स्टेट के, जो 3 साल या उससे अधिक के ग्रेजुएट होते हैं वो चुनते हैं। फिर 1/12 जो रहते हैं वो कौन चुनते हैं, तो वो चुनते हैं आर इलेक्टेड बाय पर्सन इंगेज्ड एटलीस्ट 3 years इन टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन द स्टेट नॉट लोअर दैन सेकेंडरी स्कूल इंक्लूडिंग द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं, मतलब सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के जो भी टीचर हैं, लगभग 3 साल जिन्होंने पढ़ाया हुआ है वो चुनते हैं 1/12 को, बाकी अगर कोई रह जाता है तो भी गवर्नर के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये पूरा आंकड़ा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, तो हर एक पॉइंट देख करके रखिए ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो सके और आप सही आंसर कर पाएँ। तो ये था 25वां क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। अरे कोई कह रहा है 24 आवर लाइव रखें, 24 आवर लाइव कैसे रख सकते हैं भाई, हम अकेले इंसान हैं, 24 आवर लाइव तो हो ही नहीं पाएगा। लिखा हुआ सर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए सेशन रखें, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के ही ले रखा हूँ, सारे वहीं से मैंने लिए हुए हैं। अच्छा अभी मैंने सोचा है कि अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज दूँ, मिसलेनियस भी हो सकता है बीच में दूंगा एक दो टॉपिक पे, लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लेकर के आऊँ सब्जेक्ट वाइज या फिर किसी टॉपिक वाइज, तो कैसा रहेगा आपके लिए टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ले लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चंस ले लिए, यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन लिया करिए, चलिए ठीक है आपका अगर ये सुझाव है 50 क्वेश्चन का तो 50 क्वेश्चन ही लेकर के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस तो वैसे इंक्लूड रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि 25 क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता सकूँ। फिर मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ वगैरह भी हो गई, आप लोगों ने बताया टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हुई कुछ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे भी हाथ में नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। तो अब इसी जगह पे इसको समाप्त करते हैं, आगे मैं आपके लिए कुछ टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा वीडियोज़, तो आपको मैं बताऊँगा, और इसका एक मैं टाइम टेबल या फिर एक फिक्स टाइम आपको बताऊंगा कि इस टाइम पे ही लाइव सेशन हुआ करेगा, तो आपके लिए भी थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें और समझ सकें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कब आएगा, डेली आया करिए सर, अच्छा डेली, चलिए ठीक है डेली ही सेशन रखेंगे, और इसका एक टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा कि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, तो आपको सुविधा होगी। क्वेश्चन 21 इंग्लिश टर्म बोलिए सर, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।